हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में आपको फिर से बताने वाला हूं कि ये मिल्क बॉयलर मशीन कैसे ऑपरेट करना है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के कि सर मिल्क बॉयलर मशीन के बारे में बताइए, क्या अगर हमें चाय का बिजनेस करना है तो ये मिल्क बॉयलर मशीन लेना हमारे लिए कंपलसरी है, क्या चाय इसी पे हम बना सकते हैं या हमें एक्सप्रेसो मशीन लेनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस मिल्क बॉयलर मशीन को लेकर कि हमें ये कहाँ से लेना चाहिए, कितने का पड़ेगा एंड इसको ऑपरेट कैसे करना है। ऑल्दो दोस्तों, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट आप लोगों के इतने कमेंट्स आते हैं कि मेरे को फिर वीडियो अगेन बनाना पड़ रहा है। अगर आप चाहो तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बट आज की वीडियो में बहुत सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ कि आप कैसे इस मशीन को खरीद सकते हैं, सस्ती सबसे आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे आपको इसको ढूंढना है और इससे चाय को बनाना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, और क्या आपको चाय का बिजनेस करने के लिए इसको लेना कंपलसरी है, आपको ये लेना ही मस्ट है, या फिर आप किसी और मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एक चाय का बिजनेस करते हैं। या मैं आपको वीडियो के एंड में एक प्रो टिप भी देने वाला हूँ, इस मिल्क बॉयलर मशीन को यूज़ करके आप सर्दियों में और क्या रख सकते हैं जिससे आपकी सेल बढ़ जाएगी। एंड अगेन, मैं मैगी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैगी के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ एंड मिल्क बॉयलर मशीन वहाँ पर भी आपकी हेल्प करता है अगर आप मैगी हॉटस्पॉट आप खोलते हैं तो। सो फटाफट से वीडियो के अंदर जंप करते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और इस मिल्क बॉयलर मशीन की हम पूरी बात करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आजकल जो मेरे टीनेजर भाई हैं, जो मतलब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो उनको बिज़नेस करना है। और सबसे ज़्यादा लोगों के माइंड में आता है चाय का बिज़नेस, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस आइडिया है और यहाँ पर आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेना पड़ता, कोई कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे 2 से 3 बार चाय बनाते हैं तो आप चाय बना सकते हैं। और अगर आप फ्लेवर वाली चाय बनाकर बेचते हैं अपने लोकेशन में, जहाँ पर अभी तक फ्लेवर वाली चाय नहीं आई है, सो आप एक अच्छा धंधा कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस बिज़नेस से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये धंधा चलता है एंड सर्दियों में तो बूम करता है ये बिज़नेस। बट प्रॉब्लम इस बिज़नेस की ये, अगर आप चाय का बिज़नेस कर रहे हैं और अकेले सिर्फ और सिर्फ चाय के बिज़नेस पे डिपेंडेंट है, तो सर्दियों में तो आपका बिज़नेस चलेगा लेकिन गर्मियों में आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। और कोई भी ये बात कह सकता है कि भैया सर्दियों में चाय का बिज़नेस चलता है और गर्मियों में चाय का बिज़नेस डाउन हो जाता है, आप किसी भी टपरी वाले से पूछ लेना। सो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने माइंड में पहले ही सोच के रखना है कि गर्मियों में आपको करना क्या है, गर्मियों में आपका धंधा इससे कम आने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर आपको 2 टैप दिख रहे होंगे, मुझे लगता है कि आप आराम से देख पा रहे होंगे, इतना तो क्लियर है विज़न। सो यहाँ पर एक टैप है जिससे आता है हॉट वाटर यानी कि बॉइल्ड वाटर, और दूसरे से आता है हॉट बॉइल्ड मिल्क बेसिकली। और मैं पुरानी वीडियोस में आइडियली सब कुछ बता चुका हूँ, फटाफट से शॉर्ट में कवर करते हैं। यहाँ पे आपको पानी डालना होता है, मैं ऑपरेट करके नहीं दिखाने वाला हूँ आपको। अगर आपको ऑपरेशन देखना है इसका कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, मिल्क कैसे ऐड करते हैं, सो ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है यार, बस मैं आपको वर्बली फटाफट से समझा दे रहा हूँ। एंड मेन इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि चाय के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या ये ज़रूरी है, कंपलसरी है ये, एंड इसके अलावा अगर आप मिल्क बॉयलर मशीन खरीद ही रहे हैं एक्सप्रेसो मशीन को छोड़कर, सो इसके और उसके दोनों, मतलब एक्सप्रेसो मशीन में और इसमें क्या फ़र्क है और बेटर कौन सी है, या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे चाय के बिज़नेस को कौन सा अच्छा है, तीनों में से वो भी बताऊंगा। सो फटाफट से इसको समझ लेते हैं। पहले ये जो आपको एक कंटेनर दिख रहा है ना, ये है भाई मिल्क कंटेनर, इसमें जाता है दूध। अब ये देख लो, ये 5, 5.5, 6 लीटर के आसपास का कंटेनर है। अब इसमें क्या करना है, ये लिड को हटाएंगे आप, तो आप इसमें डालेंगे। अब मैं एक बार, मुश्किल तो होगी बट आपको दिखाना भी ज़रूरी है, सो मैं कैमरे को एक बार पास करके आपको दिखा दूंगा। देखो दोस्तों, ये मैंने लिड यहाँ पर हटाई है, ठीक है। तो ये इस लिड को जैसे ही आप हटाओगे, सो आपको इस तरीके की चीज़ कुछ देखने को मिलेगी। एंड ये जो मिल्क बॉयलर होता है ना, ये पूरा गीज़र कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरा गीज़र पे। अब देखो, ये गीज़र की तरह इसमें रॉड लगे हुए हैं एंड एक ये टैप के लिए नॉब है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको लिटा लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझा पाऊँ। देखो, ये मैंने लिटा लिया। अब देखो, यहाँ पर ये जो रॉड लगी हैं, ये बेसिकली हैं पानी को गर्म करने के लिए, राइट। और ये जो है, ये आपका ये जो दूध का कंटेनर है ना, ये आप देख रहे होंगे नॉब, ये दूध का कंटेनर, आप इसको जब इसमें लगाएंगे तो ये दूध का कंटेनर यहाँ पर लग जाएगा, इसमें फिक्स हो जाएगा। एंड यहाँ से फिर आपका इस वाले टैप से दूध निकलेगा, आप देख रहे हैं ना, हाफ में दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से दूध निकलेगा और इस वाले से आपका दूसरे टैप से पानी निकलेगा, ये जो पानी यहाँ पर आपने भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। तो यहाँ पर आपका गर्म पानी भी आएगा और आपका यहाँ से इस वाले कंटेनर को आप जब यहाँ पर लगा देंगे तो उससे आपका गर्म दूध आएगा, क्लियर हो गया। अब इसको सीधा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो टैप है ना, ये रिमूवेबल है, आप इसको निकाल सकते हैं, राइट। ये है क्लीनिंग के लिए, ये आप निकाल सकते हैं, इस वाले को भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से अब ये जो नॉब आपको दिख रहा है ये है आपका वाटर का लेवल। आप जब पानी इसमें ऐड करेंगे तो आपको ये वाटर का लेवल दिखेगा इसमें। सिंपल, इसको आप करते हैं ख़त्म यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको टैप को हम लगा देते हैं। पानी को डालने के लिए आपने एक बार पानी यहाँ पर ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम सबसे पहले लगा लेते हैं, इस कंटेनर को हम लगा लेते हैं। ये जो मिल्क का कंटेनर है ये ऐसे जाएगा, और ये वो जो बीच वाला था उसमें लग जाएगा। कंटेनर लगाने के बाद आप इसमें लिड लगा देंगे। एंड देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको डालना है मिल्क। तो आप भैया, अगर आप प्योर दूध की चाय बनाना चाहते हो तो आप इसमें प्योर मिल्क ऐड करो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा पानी ऐड कर दें तो आप दूध में पानी ऐड करके भी यहाँ पर इसमें आप कंटेनर में डाल सकते हो। दोस्तों, ये कंटेनर लगाने के बाद आपको लगानी पड़ेगी ये जाली इसके अंदर। ये बेसिकली होती है कि जब आपका दूध गर्म होता है तो वो उसमें मलाई आ जाती है, तो ये मलाई इसमें जाकर आपके नल में ना फंसे इसलिए लगाई जाती है। उसके बाद आपको ये लिड लगा देनी है इसके ऊपर, और आप रेडी हो जाते हैं इस मिल्क बॉयलर से अपनी चाय को बनाने के लिए। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, इस मिल्क बॉयलर का फ़ायदा ये है कि इसमें आपका जो दूध है वो एक टेम्परेचर पर आने के बाद आपकी जो मिल्क बॉयलर मशीन है ये ऑटो कट हो जाता है, ताकि आपकी बिजली का जो कंजप्शन है वो ज़्यादा ना हो। तो ऑटो कट होने का फ़ायदा ये है कि आपकी बिजली कम यूज़ होती है। इसके अलावा इस एक टैप से आपका गर्म दूध निकलेगा और यहाँ से आपका बॉइल्ड वाटर निकलता है, जिसका फ़ायदा ये है कि आप इसके लिए ग्रीन टी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं पानी को। एंड अगर आप मैगी भी रखते हैं तो मैगी हॉटस्पॉट के लिए, मतलब आप मैगी बनाने के लिए सीधा बॉइल्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मैगी की प्रिपरेशन है उसमें कम समय लगे। दोस्तों, अब मैं आपके फटाफट से वो क्वेश्चन सारे कवर कर लेता हूं जो बहुत ज़्यादा पूछते हो आप मेरे कमेंट सेक्शन और मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स पे, कि भैया इस मशीन को हम गैस से चलाएं या हम बिजली से चला सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस मशीन को आप गैस से नहीं चला सकते, आपको ये इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशनली मिलेगी। अगर आपको गैस से और बिजली से चलाने वाली जो मशीन अगर आपको चाहिए तो आप एक्सप्रेसो मशीन ले सकते हो। एंड अगर आप मुझसे कंपैरिजन पूछे कि किसमें सबसे अच्छी चाय बनती है, सोना मैं यहाँ पर आपको जर्नली बता रहा हूँ, एक बहुत जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको। ये जो मिल्क बॉयलर मशीन है ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर वो गैस नहीं जला सकते। तो वो जैसे पान की दुकान हो गई, जैसे कोई कैफ़े हो गया, जैसे वो मॉल में कोई एक छोटा काउंटर लगाना चाहता है, कोई और बिजनेस है उनका सेपरेट में, वो चाय का भी शुरू करना चाहते हैं, तो मिल्क बॉयलर मशीन रख सकते हैं, जहाँ पर वो कोई हैक्टिक काम नहीं चाहते हैं, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए। बट अगर आपके पास, आप चाहते हो कि आप डेडिकेटेडली चाय का ही बिज़नेस करना चाहते हो, तो फिर इसकी तरफ आप मत जाओ, आपको मिल्क बॉयलर मशीन नहीं लेना है। फिर आप कंसिडर करो एक्सप्रेसो मशीन, या फिर आप जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है वो आप छोटी भट्टी ले लो और उसके साथ करो। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आज की डेट में जितनी पुरानी चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी चलती हैं, आप कहीं भी आजमा लो। तो जो पुराना मेथड है ना चाय को बनाने का, वो आज भी सक्सेस है। येवले अमृतुल्य को आप जानते होंगे, वो आज भी ट्रेडिशनल मेथड में चाय बनाता है, और एक अच्छी कंपनी है, अच्छा खासा नाम है उनका, और उनके चाय का स्वाद हर कोई जानता है। सो आप उस तरीके से भी ट्रेडिशनल वे में काम कर सकते हो, और जो चाय कड़ कड़ के बनती है, बॉइल हो के बनती है, उसका जो फ्लेवर आता है, उसका जो एरोमा आता है, वो ये जो नई टेक्निक्स हैं वो उसको कंपेयर आप उनसे नहीं कर सकते। आप बनाकर देख लेना चाहे, हाँ, एक्सप्रेसो मशीन से ठीक ठाक चाय बनती है। और तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप बना सकते हो तो आप एक्सप्रेसो मशीन, या फिर आप ट्रेडिशनल मेथड से वो भट्टी ले लो और उनके साथ जाओ, आप डेफिनेटली आप उनके साथ ही काम शुरू करो। इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन आता है कि भैया हम ये मिल्क बॉयलर मशीन कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, ये जो मिल्क बॉयलर मशीन है ये मेरे पास ZingiSip से आया है, मैंने ZingiSip का ऑर्डर किया था। और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप ZingiSip से ले सकते हो, या फिर आप दोस्तों इंडिया मार्ट पे चेक कर सकते हो और अपने नियरेस्ट सप्लायर से ले सकते हो। ऑल्दो दोस्तों, ये गीज़र टेक्निक पे काम करता है तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। आपका गीज़र जो बाथरूम में लगा होगा, आपको भी पता है वो सालों साल चलता है, सो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी काम करता है, तो ये भी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी आप बहुत महंगी कंपनी से ले रहे हो तो आपको बहुत अच्छा काम करेगा। आइडियली दोस्तों, ये जो मिल्क बॉयलर मशीन होती है इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है 6,500-7,000 रुपये से, एंड मैक्सिमम जाता है 12,000-13,000 रुपये तक। सो आप देख सकते हो कि आपके नियरेस्ट सप्लायर कितने का दे रहा है, और उससे आप बार्गेनिंग करने के बाद इसको परचेज़ कर सकते हो, अगर आप इसके साथ जाना चाहते हो तो। लेकिन अगर आप की खुद की शॉप है और आप चाय और कुछ एक बिज़नेस साथ में कर रहे हो, मतलब कुछ एक फूड आइटम्स रख रहे हो, तो फिर आपकी चाय में दम होना चाहिए, तो फिर आप एक्सप्रेसो मशीन या फिर आप भट्टी के साथ ही जाओ, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।